प्रवीण गुत्ते इनका सवाल है कि भांडवलशाही कैपिटलिज्म यानी क्या, आसान भाषा में क्या कहेंगे? आसान भाषा में एक ही वाक्य में इसको कहा जाता है, प्रॉफिट कमाने की खुली छूट यानी पूंजीवाद, मुनाफा कमाने की खुली छूट जिस पर कोई शासन का स्टेट का नियंत्रण नहीं होगा, इसको कहते हैं कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। अब उसमें जो बारीकियां है मैंने ऑलरेडी आपके सामने आज के सेशन में बातें रखी हैं कि जो अपना कैपिटल इन्वेस्ट करता है वो सभी चीजों पर उसकी उसका खुद का स्वामित्व होता है। ये जो कारखाना वो खड़ा करे चाहे कुछ भी खड़ा करे, उससे प्रॉफिट कमाने के लिए जो यंत्रणाएं उसको आवश्यक है वो सभी यंत्रणाएं वो अमल में ला सकता है और उन यंत्रणाओं पर किसी और का, राजा का या फिर किसी स्टेट का नियंत्रण नहीं होता है, उसको खुली अर्थव्यवस्था, खुला कैपिटलिज्म कहा जाता है, इसको हम कैपिटलिज्म कहते हैं। और वो कैपिटलिस्ट एक व्यक्ति हो सकता है, एक फैमिली हो सकती है, एक छोटा सा ग्रुप हो सकता है जिसको हम आगे चलकर कॉरपोरेशन कहते हैं, ये हो सकता है और ये प्रॉफिट के लिए चलता है। प्रॉफिट कमाने की पूरी छूट होती है और प्रॉफिट कमाने के लिए ये काम करता है, उसको हम कैपिटलिज्म कहते हैं। बस आसान शब्दों में तो इतना ही कहा जा सकता है। फिर ये कैपिटलिज्म के जरिए किस ढंग से शोषण होता है, क्या होता है, ये बहुत अच्छे ढंग से हम कल देखने वाले हैं। उसका कुछ हिस्सा हमने देखा है कि ये पूरा का पूरा खड़ा किस आधार पर है, ये भी हमने देखा है कि एक तरफ जो मेहनत करने वाला वहां का कामगार है उसका शोषण और उसके साथ में खेतीहर का, किसानों का शोषण, ये दो शोषण के आधार पर ये पूरी व्यवस्था खड़ी होती है और उसी के आधार पर यह व्यवस्था विकसित होती है। और पूरे दुनिया में औद्योगिक विकास जो हुआ कैपिटलिस्टिक विचारधारा में भी और दूसरी जो विचारधारा है कम्युनिस्ट उसमें भी इन्हीं का शोषण कर ये पूरी व्यवस्था खड़ी हुई है, ये भी मैंने आपके सामने बात रखी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें, तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विजिट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।